हेलो दोस्तों, अगर आप सी एंट्रेंस स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जो मई 2020 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो क्वेश्चन बताने वाला है क्या वो सही में पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों मैंने नवंबर 2019 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी और ऑलमोस्ट उसी में से क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ जो उस वीडियो के नीचे आई थी एग्जाम के बाद। एग्जाम 5 बजे ओवर हुआ और 5:10 से भी कमेंट आना स्टार्ट हो गई, मतलब पेपर खत्म होने के 10 मिनट के बाद ही कमेंट आना स्टार्ट हो गई कि जो आपने क्वेश्चन बताए थे वही आए थे। आप कमेंट पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया, वहां पे जाकर आप देख सकते हो जो मेरे को कमेंट आई थी, वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो को पूरा पहले एंड तक देख लो, उसके बाद उस वीडियो पे जाकर अपना जो भी ट्रस्ट बनाना मेरे ऊपर बना लेना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ हम अचीवमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द 10K सब्सक्राइबर। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 100K का। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी सपोर्ट करते रहो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मतलब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये वीडियो डालने का रीज़न ही ये है क्योंकि आप लोगों की जो अच्छी अच्छी कमेंट्स आती है वो मेरे को मोटिवेट करती है मेरे को और वीडियोस डालने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर द 10K सब्सक्राइबर। अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो मई 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, तो आप भी एक बार बुक ओपन कर लो अपनी और साथ साथ में टिक कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो है ए पार्ट, जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में से। और दूसरे क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं हम, ये मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में से जो हमारा क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर आप देख सकते हैं 1.18, थर्ड क्वेश्चन टिक कर लेना। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपको टिक करवा दिया है। और पढ़ना कैसे वो मैं बता दूं आपको, ये नहीं कि पूरा याद करें, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना, पहले डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कुछ बेनिफिट्स, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो सेकेंड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मई 2020 के लिए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से उठाए जाएंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेकंड और फोर्थ चैप्टर में से ही निकाले हैं। तो अब हम टिक कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पेज नंबर खोलना है 2.46, इस पर मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं, एफ और जी। ठीक है, तो ये आपको पूरे लर्न कर लेना है और ICI के मॉड्यूल में से ही आंसर लर्न करने हैं। ठीक है, ये जो हमारा जी जो क्वेश्चन है इसमें एक डायग्राम दे रखा है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी डायग्राम आप पेपर में बनाओगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्टिव आंसर, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 2.49, इसको मार्क कर लो फोर्थ नंबर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये भी बताऊँगा कि लर्न कैसे करना है। ठीक है, जैसे अब ये फोर्थ क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो इसी डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं यार इतना बड़ा आंसर है ये कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो डायग्राम दे रखा है उसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप पढ़ के देखोगे बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हमने ले ली ग्रोथ और यहाँ पे हमने ले लिया मार्केट शेयर, ये हो गया हाई लो हाई लो। अगर हम स्टार को एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, हाई ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर। अगर हम कैश काउ को करते हैं एक्सप्लेन तो क्या लिखेंगे, लो मार्केट ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर। और क्वेश्चन मार्क को करेंगे तो हाई ग्रोथ और लो मार्केट शेयर, और डॉग को करेंगे तो लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे एक्सप्लेन करा गया है और थोड़ा कुछ एडिशंस करी गई है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मार्क कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है ये स्वेट एनालिसिस, ये तो आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। स्वेट मतलब फुल फॉर्म पहले देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ उसके की रीजंस लिखने हैं, तो बहुत ही आसान है, 5 नंबर का आराम से क्वेश्चन आ सकता है इस बार मई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है कि ये जो डायग्राम दे रखा है अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपका पूरा आंसर कवर हो जाता है।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले वाला बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और अंदर लिखा है SOST, मतलब मैक्सी मैक्सी मतलब ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी भी इसी केस में होती है और स्ट्रेंथ भी इसी में होती है, और मिनी और मैक्सी मतलब अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन वीकनेस भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है इस डायग्राम में। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कैसे लर्न करना है, पहले डायग्राम पढ़ना है उसके बाद आपको पूरा आंसर पढ़ना है। तो सिक्स क्वेश्चन में यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एट्थ। एट्थ में भी ऐसे ही है, डायग्राम पढ़ोगे आंसर पूरा अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। बच्चे करते हैं डायग्राम को पढ़ते ही नहीं है, सीधा रीड करना स्टार्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि इतना बड़ा है छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि कैसे पढ़ना है, पहले डायग्राम पढ़ना है फिर उसके बाद आंसर को आपको रीड करना है, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा टेंथ। अब आप ये सोच रहे होंगे यार सेकंड चैप्टर में तो सारी क्वेश्चन करवा दिए। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए, बहुत से छोड़े भी हैं, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड और फोर्थ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो और मैंने इसमें ट्रिक भी बताई है कैसे याद करना है आपको। तीन क्वेश्चन जो सबसे बड़े बड़े हैं वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताए हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास एट्थ, वो भी आपको डायग्राम के थ्रू लर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर हो जाता है पूरा ख़त्म। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर बहुत ही छोटा सा है तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सेकंड और फोर्थ चैप्टर में से ही ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसमें से आप मार्क कर सकते हो थर्ड चैप्टर में जी क्वेश्चन, जो जी पार्ट है हमारा, पेज नंबर है 3.21। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ 3.21 पेज नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन जो है हमारा जी, वो आपको मार्क कर लेना है। और साथ में एक और क्वेश्चन उठाया मैंने 3.24 पेज नंबर पे, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ चुका है मई 2018 में आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन तब भी हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिपीटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर पे, जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस बार, सेकंड और फोर्थ, इसलिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से उठाए हैं। तो पेज नंबर आपको खोल लेना है 4.20 पे तीन क्वेश्चन मैंने मार्क करे हैं, सी, एफ और जी। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो जल्दी से अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद कुछ बैक क्वेश्चन जो मतलब अलग से जो दिए होते हैं वो भी मैंने उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेज नंबर है 4.24, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, पेज नंबर है 4.27, थोड़ा जूम कर दूं, 4.27 पे क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो भी एक बार मार्क कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें से भी बता दिया फोर्थ चैप्टर में से भी कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक तो सिक्स्थ क्वेश्चन, एक मैंने आपको बताया फोर्थ जो 4.24 पेज नंबर पे है, और आगे से मैंने आपको बताया तीन क्वेश्चन सी, एफ और जी। और एक बार और देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो दोस्तों वैसे भी आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी फरवरी चल रहा है तो मई में एग्जाम है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। और पेपर से पहले, पेपर से एक महीने के पहले मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मतलब लिमिटेड क्वेश्चन डालूंगा, इंपॉर्टेंट बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन आपको ये भी सारे पढ़ने, यानी कि आप उस वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मैं एक महीने पहले डालूंगा, लेकिन इसमें से कुछ हटा दूंगा, लेकिन आपको अभी सारे पढ़ने हैं क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है फिफ्थ। इसमें अगर आप पेज नंबर खोलते हो 5.18, तो इसमें एक बी पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर टू जो है बी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको आपको लर्न कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, लेकिन तब भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर में एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक हमारा बीच में से है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 5.15, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ये आपको डायग्राम के साथ पढ़ना है, डायग्राम भी याद करना है, पेपर में डायग्राम भी बनाओगे और ये भी लिखोगे, ठीक है। फाइव नंबर का आराम से ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार फिफ्थ चैप्टर में से, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उन्होंने कवर कर लिए पहले ही,
एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं सिक्स चैप्टर पे। सिक्स चैप्टर हमने खोला, पेज नंबर खोल लो 6.29। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क कर रखा है, एफ क्वेश्चन, एफ पार्ट जो है ये आपको लर्न करना है। उसके बाद 6.30 पेज नंबर पे जे पार्ट आपको लर्न करना है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन जो थोड़े से और होते हैं अलग से, क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्टिव। इसमें से आपको एक करना है फोर्थ क्वेश्चन, 6.36 पेज नंबर पे है। इसको देखना, एक बार रीड करना और अपने हिसाब से ना शॉर्ट करके इसको मतलब आंसर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। अगर 7 मार्क्स का आता है तो ठीक है, 5 मार्क्स में इतना कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश करना अपने हिसाब से, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, उसके बाद शॉर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट, वो है 7th क्वेश्चन। पेज नंबर आपको बता देता हूँ मैं, 6.41 पेज नंबर पे 7th क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। तो यहीं पे हमारा 6th चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं 7th चैप्टर पे। अब 2 चैप्टर आ गए, 7th और 8th, तो लिमिटेड क्वेश्चन ही उठाए मैंने 7th और 8th में से, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें से वो पेपर में डाल चुके हैं आईसीए वाले, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम 7th चैप्टर में से। पेज नंबर है 7.27, क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं सी डी और एच, ठीक है। 3 क्वेश्चन है सी डी एच, समझ आ गया। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं बैक में जो होते हैं इनके क्वेश्चन, उसमें से कुछ है इम्पोर्टेंट कि नहीं है। ऐसा सच कोई इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अब, ठीक है। एक यहाँ पे हाँ, ये भी मार्क कर लेना, मैंने मार्क कर रखा था, भूल गया था मैं। एक एल पार्ट भी है 7.28 पेज नंबर पे, एल पार्ट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क कर लेना। अब लास्ट चैप्टर रह गया है, 7th चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए, ठीक है, याद रखना 4 क्वेश्चन कौन कौन से बताए हैं, सी डी एच और एल, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर पर चलते हैं, 8th चैप्टर, मार्क करने आपको पेज नंबर है 8.29 डी ई एफ। तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको डी ई एफ, लेकिन एकदम अच्छे से पढ़ने हैं आपको ये क्वेश्चन। बैक में ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वो ऑलरेडी पेपर में दे चुके हैं, जो पीछे की तरफ क्वेश्चन है हमारे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है डी ई एफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8th चैप्टर में। तो दोस्तों एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट, वो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एस एम की जब बुक देखते हैं बोलते हैं यार क्या क्या पढ़े यार इसमें, बीच में से पढ़े या फिर पीछे से पढ़े, कहाँ से पेपर आएगा, कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो सारे के सारे पीछे से ही आते हैं, जो बैक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे सब में आपको बैक क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो बीच में से आ जाते हैं, और लेकिन हमारे पास उसमें चॉइस रहती है कि हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से उठाए हैं। और वैसे भी नवंबर 19 में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही एग्जाम में आए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, उस वीडियो पर जाओ और उधर कमेंट पढ़ो, ठीक है। कमेंट में पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नवंबर 19 का क्वेश्चन पेपर उठाओ और वो वाली मेरी वीडियो उठाओ और दोनों में से क्वेश्चन को मैच करके देख लो कि जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं वो पेपर में आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।